दोस्तों, बात भविष्य मालिका की हो अथवा धरती के विनाश की, ध्यान रहे कि सृष्टि के संहारक और कोई नहीं वरन स्वयं भगवान शिव ही हैं। अर्थात जो सच्चा भक्त शिव को भाएगा वह प्रलय से बच जाएगा, क्योंकि चर्चा जोरों पर है कि प्रलय होने वाली है, अर्थात कलयुग अपने अंत को है। तो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी यह बात वर्णित है। बावजूद इसके संत अच्युतानंद की भविष्यवाणी और उनकी पुस्तक भविष्य मालिका लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। क्या सोशल मीडिया तो क्या प्रिंट मीडिया भविष्य मालिका की आहट चारों ओर सुनाई देती है। हो भी क्यों ना, कोरोना महामारी, हिमाचल की तबाही, केदारनाथ की त्रासदी, अभी दो दिन पहले आई ये सिक्किम वाली बाढ़ और निरंतर कांपती धरती अर्थात भूकंप हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। ध्यान रहे, मेरी चर्चा डरने अथवा डराने की नहीं, वरन ये याद दिलाने के लिए है कि अफगानिस्तान, तुर्की और नेपाल में आए विनाशकारी भूकंपों ने इंसान को उसकी औकात और ईश्वर की परम सत्ता को दिखा दिया था। पुस्तक भविष्य मालिका के अनुसार समस्या गंभीर तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो चलिए फिर जानने की कोशिश करते हैं कि कल इस धरती पर क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल कुमार की एक अलग और अनूठी वीडियो में, क्योंकि आज लोगों को योग की जगह योगा, आयुर्वेद की जगह आयुर्वेदा, तो श्री राम के स्थान पर रामा बोलना सुलभ लगता है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया को पश्चिमी देशों के वेंगा बाबा और नस्त्रदमस और हमारे इसरो की जगह नासा पर अधिक विश्वास रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज का यह वीडियो किसी भी देश, धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीतिक सोच अथवा व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं करता और ना ही किसी का यह विरोधी है। अतः दर्शक अपने विवेक से काम लें और वीडियो को अंत तक देख अपनी राय कमेंट बॉक्स द्वारा हमसे साझा करें। आगे सब कुछ मैं आगे भगवान शिव पर छोड़ता हूँ। भविष्य मालिका के अनुसार ये स्पष्ट हो चुका है कि कलयुग अपने अंत की ओर है और भगवान श्री कल्कि अवतार का समय आ चुका है, अथवा भगवान कल्कि अवतार कहीं ना कहीं अवतरित हो चुके हैं। अगर आप इस पुस्तक का उपलब्ध हिंदी वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो पुस्तक खरीद कर भी अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, परंतु हमारा शोध और एकत्रित जानकारी बताती है कि कल्कि अवतार कब, कहां और कैसे होगा। दुनिया के विनाश और बदलाव से पहले धरती और इस पर रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी, दुनिया का अंत किस प्रकार से होगा, देश का अंतिम राजा अर्थात उस वक्त भारत के सर्वोच्च पद पर कौन आसीन होगा, पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होगा, अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों का क्या हश्र होने वाला है, अगला और अंतिम विश्व युद्ध कब, कहां और कैसे होगा और उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी, संसार का विनाश और पुनर्निर्माण कैसे होगा, तथा अंत में कि कौन और कितने लोग काल का ग्रास बनेंगे और कितनी संख्या आबादी विश्व में शेष बचेगी। इसके अलावा भी ढेरों ऐसी बातें हैं जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से जाना जा सकता है, बशर्त कि आप धैर्य रख वीडियो को अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले जीवन के मूल मंत्र को समझें, और विशेषकर अगर आप एक भारतीय हैं तो फिर आपको इसकी महत्ता अधिक लगेगी कि धर्मो रक्षति धर्म रक्षति, अर्थात जो पुरुष धर्म का नाश करता है धर्म स्वयं उसका नाश कर देता है, और जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। जानकारों की माने तो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अर्थात 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच राज्य उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक महान संत श्री अच्युतानंद महाराज जी का जन्म हुआ। इसी काल में उनके समकालीन अन्य 5 संत भी हुए जिन्हें पंच सखा अथवा पंच सखा संप्रदाय कहकर पुकारा जाता है, जिनमें संत बलराम दास, संत जगन्नाथ दास, संत अच्युतानंद दास, संत यशोवंत दास और संत अनंत दास प्रमुख हैं। ये सभी राग अनुराग भक्ति के प्रचारक तथा योग साधना के समर्थक रहे हैं। वीडियो को सरल बनाने हेतु हमने भविष्यवाणियों को क्रमशः 3 श्रेणियों में बांट दिया है। सबसे पहली श्रेणी में आप जानेंगे कि कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी और उसके क्या क्या लक्षण होंगे।
दूसरी श्रेणी में कि जब संसार का अंत अर्थात प्रलय आरंभ होने वाला होगा तब कौन कौन सी घटनाएं और संकेत हमें देखने को मिलेंगे, साथ ही भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा और विश्व का अंत किस प्रकार से होगा, और तीसरे लक्षण में हम जानेंगे कि विश्व की राजनीति उस समय किस मोड़ पर आकर खड़ी होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हमारा देश भारत। तदुपरांत अमेरिका, रशिया, चीन और अन्य देशों की भी बातें होंगी, और साथ ही भगवान जगन्नाथ जी के धाम उड़ीसा में क्या घटने वाला है इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। वादा है मेरा कि समस्त जानकारियां आपको विस्मृत कर देंगी। पुस्तक में वर्णित है कि कठोर और विपरीत समय आने पर साक्षात देव कहे जाने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण परोपकारिता त्याग कर धरती के वातावरण को बदलने में लग जाएंगे, जिससे जीवनदायी सूर्य का प्रकाश मनुष्यों को भस्म करने लगेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और संभव हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में जय कल्कि देव महाराज लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। और मेरी इस विनती को कृपया इग्नोर ना करें, क्योंकि यही वो कारण है कि आज जब मनुष्य इन कार्यों को नहीं करता तो हमारा धर्म कमजोर और यह धरती प्रलय की ओर बढ़ने लगी है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि संत अच्युतानंद जी आज से 600 वर्ष पूर्व ही आने वाले भविष्य और घटनाओं का आकलन करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे। शुरुआत करते हैं सूर्य की किरणों से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर का पिघलना आरंभ हो चुका है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा है। असमय बारिश और बाढ़ का आना, सनलाइट से त्वचा संबंधी रोग जैसे कैंसर इत्यादि का होना आज आरंभ हो चुका है। पुस्तक बताती है कि लोग ईश्वर को भूलकर धर्म को त्याग कर प्रभु भक्तों और उनकी भक्ति का उपहास उड़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। लोग व्यभिचारी और दंभी हो जाएंगे, जिससे धर्म का अनुपालन करने वालों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ेंगे और उनका ढेरों मजाक उड़ाया जाएगा। परिणाम स्वरूप धार्मिक लोगों की संख्या घटकर ना के बराबर रह जाएगी और सांस्कारिक हनन के चलते बच्चे बड़ों के सामने ही स्वच्छंद व्यवहार करने लगेंगे, अर्थात पर्दे में होने वाला काम खुल्लम खुल्ला और सरे बाजार होगा। अज्ञानी, पापी, दंभी, व्यभिचारी और कपटी लोग मीठी वाणी और जालसाजी के बल पर धर्म की ठेकेदारी करेंगे, जिससे जनता पथभ्रष्ट होकर गलत बातों का अनुसरण करने लगेगी और माता पिता के संस्कारों को भूल काल के गर्त में गिर जाएगी। महिला हो या पुरुष, समान अधिकारों की आड़ में अश्लीलता और यौनाचार करेंगे। विपरीत लिंग अथवा योनि के अलावा स्त्रियां स्त्रियों की ओर तो पुरुष पुरुषों से संबंध बनाएंगे। धीरे धीरे समाज स्वयं इस गलत मान्यता का पोषण भी करेगा और इसे स्वीकार लेगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज से 600 वर्ष पूर्व जब आज का मॉडर्न और कपटी युग था ही नहीं और ना ही कोई समलैंगिकता की बात अथवा सोच विचार होता था, तो आज वही बातें सत्य होकर दुनिया को शर्मसार करने पर आमादा हैं। भविष्य मालिका में तो यहाँ तक कहा गया है कि बालक कम आयु में उन बातों की ओर आकर्षित होंगे जिसके लिए उन्हें व्यस्क और जरूरी समझ का होना आवश्यक है। जी हाँ, यहाँ बात बढ़ती पोर्नोग्राफी और अश्लील ज्ञान की हो रही है, जिसे आज के युवा यूं अपनाते हैं मानो उनके लिए वह प्राणवायु हो। वर्णित है कि बालिकाएं कम उम्र में मां बनेंगी तो जोड़े बिना विवाह के एक साथ रहते हुए बच्चों को जन्म देंगे, जिसे आज की दुनिया लिव इन रिलेशन के नाम से भी जानती है। भविष्य मालिका के अनुसार वायु और तेज आंधी तूफान धरती पर दस्तक देंगे। हाल में आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, मौका, ताओते, फानी और तितली इसके ताजे उदाहरण हैं। इसके अलावा दुनिया में लालाज बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, जैसे कि कोरोना, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया और डेंगू वो नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि कोरोना में ना तो कभी कोई दवा काम आई और ना ही किसी की कोई ना ही दुआ लगी। तो इस तरह असंख्य लोग काल की गर्त में खो जाएंगे। कहा तो यहाँ तक गया है कि जंगल के खूंखार जानवर वनों को छोड़कर गांव और शहरों में चहलकदमी करने लगेंगे और बेखौफ होकर दुनिया को अपना शिकार बनाएंगे, जिसका मूल कारण प्रकृति में असंतुलन और मनुष्यों द्वारा प्रकृति के संसाधनों का दोहन करना होगा। राजस्थान,
गुजरात, हरियाणा तथा देश के अन्य विभिन्न राज्यों में शेर, बाघ और सर्प को सैकड़ों बार नगर राज्य में विचरते हुए शिकार करते हुए देखा गया है और अनेकों बार तो उनको पकड़ा भी गया है। अच्युतानंद बताते हैं कि निकट भविष्य में उड़ीसा स्थित भगवान श्री जगन्नाथ जी धाम को जोड़ने हेतु एक राष्ट्रीय राज्य मार्ग का निर्माण होगा, जिसे यह धाम दुनिया से जुड़ सकेगा। जरा सोच कर देखिए, परिकल्पना करिए कि क्या आज से 600 वर्ष पूर्व किसी नेशनल हाईवे की बात को सोच कर पाना या कर पाना आसान था। ये बात लगभग असंभव लगती है। साथ ही यह भी वर्णित है कि उड़ीसा का अंतिम राजा एक वृद्ध बालक होगा, अर्थात जो आयु में बड़ा तो हरकतों से बालक बुद्धि के समान होगा। पुरी के अंतिम राजा श्री गजपति महाराज होंगे, जो आज भी पुरी में विराजमान है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज और उसके शीर्ष पर जड़े पत्थर धरती पर नीचे गिरने लगेंगे, जिसमें पत्थरों को तो नहीं वरन अभी आजकल ध्वज को नीचे गिरने अथवा ध्वज पर बिजली गिरने की बात को अवश्य नोट किया गया है, जिससे यह भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को और पुख्ता भी करता है। इसके अलावा मंदिर में खून का दिखना और जिस स्थान पर श्री भगवान जगन्नाथ जी स्थापित हैं वहां के सुसज्जित वस्त्रों में आग लगने की बात भी कही गई है। कहते हैं कि प्रलय आने पर जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी में डूब जाएगी, जिससे मंदिर तो नहीं डूबेगा परंतु भगवान जी को एक अन्य स्थान पर स्थापित करना पड़ेगा। आपदाओं के चलते महंगाई बढ़ेगी और खाद्य वस्तुओं की कमी होगी। शासक और प्रशासक जनता पर अतिरिक्त कर लगाएंगे और कड़ी नीतियों को लागू करेंगे, जिससे जनता रुष्ट होकर विरोध प्रदर्शन करेगी और चारों ओर अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और अराजकता जैसा माहौल हो सकता है। अच्युतानंद जी स्पष्ट लिखते हैं कि कब, कहां और कैसे भगवान श्री कल्कि जी का अवतार होगा, कैसे भगवान अपने सच्चे भक्तों से जुड़ेंगे, जिससे एक विशाल और निर्णायक युद्ध होगा तथा धरती पर छुपे 8 चिरंजीवी जैसे कि वीर हनुमान जी, अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य और भगवान परशुराम इत्यादि युद्ध में भगवान कल्कि जी की ओर से लड़ेंगे और निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जानकारी तो ये भी है कि भगवान कल्कि के गुरु और कोई नहीं भगवान परशुराम जी ही होंगे। धरती के प्रत्येक गांव और कस्बे में नाम मात्र लोग ही बचेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जब तबाही आएगी तो क्या क्या होने वाला है। यकीन मानिए, लूटपाट, चोरी, चकारी, गबन और हिंसात्मक गतिविधियां करके धन कमाना लोगों का मुख्य पेशा बन जाएगा और इसी से वह अपनी आजीविका चलाएंगे। जो जितना बड़ा बेईमान और झूठा होगा वह उतना ही बड़ा नगर सेठ कहलाएगा। प्रलय के समय आपको आकाश में एक नहीं वरन दो दो सूर्य दिखाई देंगे। दिन हो या रात, युद्ध 24 घंटे अनवरत जारी रहेगा, जिससे सूर्य लगातार 7 दिनों के लिए लुप्त हो जाएगा, अर्थात लोगों को सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर घोर तिमिर अर्थात अंधेरा होगा। हाथ को हाथ नहीं सूझेगा, पृथ्वी यूं कंपन करेगी मानो कोई विशाल गेंद का या आग का गोला हो। प्राकृतिक आपदाओं का वह दौर आरंभ होगा जिससे निपट पाना किसी भी देश अथवा उसके शासक के भूते के बाहर की बात हो जाएगी। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या ना के बराबर होगी। एक गांव में 2 या 4 से अधिक लोग जीवित ही नहीं बचेंगे। समुद्र उफान मारते हुए आगे की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे एक महासुनामी का निर्माण होगा और समुद्र के किनारे बसे लगभग सभी शहर जलमग्न हो जाएंगे। पश्चिमी देश अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनका नामो निशान तक मिट जाएगा। उड़ीसा के 6 जिले डूबकर तबाह हो जाएंगे, जिससे भगवान जगन्नाथ जी को सपरिवार छातियाबट नामक स्थान पर बसना होगा। वर्ष 2023 के आसपास उड़ीसा में एक बड़े जल प्रलय के आसार हैं। भविष्य मालिका की माने तो कठोर समय आने पर भारत के पड़ोसी देश और अक्रांता चीन के साथ मिलकर एक साथ भारत पर हमला कर सकते हैं और यह युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। वर्ष 2023 में एक बड़ी त्रासदी और घटना का आगमन भी हो सकता है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु होना निश्चित है। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार ग्राम संभल में होगा।
यूं तो इस नाम से भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न गांव मौजूद हैं, जैसे कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इत्यादि, लेकिन संभव है कि अच्युतानंद महाराज जी का इशारा उड़ीसा के संबल ग्राम की ओर ही है। जन्म अथवा अवतरण के बाद भगवान कल्कि कभी भी खुल्लम खुल्ला नहीं रहेंगे, वरन वह किसी गुप्त स्थान अथवा जंगल में रहकर अपने कार्य को अंजाम देंगे। उनके समस्त अनुयायी भी गुप्त एवं गुपचुप तरीकों से धर्म और युद्ध में सहायक होंगे। जानकारों की माने तो भगवान कल्कि के सच्चे अनुयायी, जिनकी संख्या 74,000 होगी, इस धरती पर एक साथ एक स्थान पर जन्म लेंगे और यह वही लोग होंगे जिन्होंने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर महाभारत का विशाल युद्ध लड़ा था। इसके अलावा 8 चिरंजीवी, 64 धार्मिक युगुरु और रण कौशल में निपुण सैन्य अधिकारी भी इस धरती पर जन्म लेंगे अथवा ले चुके हैं, परंतु यह वैष्णव संप्रदाय के नहीं वरन जीवन की विभिन्न शाखाओं और ग्रस्त जीवन से संबंधित होंगे। श्री विष्णुदत्त और माता यशोमती और माता भगवान कल्कि के माता पिता होंगे, अर्थात ये उनके नाम हैं। इन्हीं के संयोग से भगवान चक्रपाणि अर्थात चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी कल्कि रूप में इस धरती पे अवतरित होंगे अथवा जन्म लेंगे। चूंकि इस पुस्तक में भगवान कल्कि को चक्रपाणि कहकर पुकारा गया है, जबकि एक दूसरी पुस्तक अच्युतानंद सुन्न संहिता के चौथे अध्याय में लिखा गया है कि कलयुग के अंत में जब मानव मूल्य और संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी, तब कल्कि भगवान संबल ग्राम में जन्म लेंगे। अज्ञ का भविष्य मालिका के अनुसार, जो इस पुस्तक का ही एक अन्य भाग है, जो भी मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में धर्म के मार्ग पर चलेगा, उनके लिए भगवान चक्रपाणि ही कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। पुस्तक के अनुसार कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। भले ही विद्वान और लोग अपनी अपनी राय और मत रखते हों, परंतु सत्य तो यही है कि जिस हिसाब से दुनिया में उथल पुथल और घटनाएं हो रही हैं, उसे देखकर तो लगता है कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, जिसके अनुसार इस दुनिया में विश्वयुद्ध जैसे आसार बनने लगेंगे और इस युद्ध की विभीषिका को सभी को झेलना पड़ेगा। इससे कोई भी मनुष्य कभी बच नहीं पाएगा। कीट पतंगों की तरह लोग मरेंगे और एक दिन त्रस्त होकर चहुं ओर से त्राही माम का उद्घोष होगा और वह भगवान से अवतार ले दुष्टों के दलन और पापियों के शमन की गुहार लगाएंगे, जिस पर भगवान कल्कि स्वयं को दुनिया के सामने ला भक्तों की ओर से लड़ेंगे, जिससे एक महाविनाशकारी युद्ध होगा और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या घटकर मात्र 64 करोड़ रह जाएगी, जिसमें से 33 करोड़ भारत में, तो शेष बचे हुए अन्य लोग विश्व के अन्य भागों में निवास करेंगे। अब जो कहने जा रहा हूँ वह बात जहर की तरह कड़वी और तीर के समान सीधी है कि लगभग 100 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु अकेले भारतवर्ष में होना संभव है, और ये वही लोग होंगे जो पूर्णतः नास्तिक, धर्म के विरुद्ध और पापी होंगे, अर्थात जो धन को श्रेष्ठ मान मानव मूल्यों को भूल चुके हैं और प्रतिदिन ढेरों पाप करते हुए धार्मिक और आस्तिक लोगों का जमकर मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, इतना कुछ हो जाने के बाद भगवान कल्कि के हाथों से ही सुख समय का आरंभ होगा और आगामी 1000 वर्षों तक दुनिया में प्रेम और सुख शांति बनी रहेगी। भविष्य मालिका के अनुसार अमेरिका का 70 से लेकर 90% तक का भूभाग जलमग्न हो जाएगा और रशिया पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, चीन तबाह होकर सिकुड़ जाएगा और भारत का अंतिम राजा वह शासक होगा जो संतानहीन परंतु एक कुशल राजनीतिज्ञ होगा। वह अनुभवी और दुनिया को साथ लेकर चलने वाला होगा। अधिकांश लोग उसके प्रशंसक और हितैषी होंगे। कर्म से योगी वह राजा भगवा अथवा भगवा विहीन भी हो सकता है। यूं तो वर्तमान समीकरणों जैसे कि यूक्रेन रशिया युद्ध, इजराइल का युद्ध, अमेरिका अफगानिस्तान की साठगांठ, चीन और पाकिस्तान का सामरिक संबंध और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की उठापटक दर्शाती है कि संत अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका एक नहीं वरन 100% सही दिशा की ओर इशारा कर रही है। बाकी होई सो होई जो राम रची राखा, यानी होगा तो वही जो देवों के देव महादेव ने लिख रखा है। अतः जीवन में सुखी और कामयाब रहना चाहते हैं तो दूसरों का विरोध छोड़कर
अपनों को सहयोग करें और धर्म की इस लोह को अनवरत जलाए रखने में हमारी मदद करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो अथवा संत अच्युतानंद जी के बारे में अतिरिक्त जानकारियां देखना अथवा सुनना चाहते हैं, जैसे कि उनके माता पिता कौन थे और क्यों उन्हें भगवान गरुड़ का अवतार माना जाता है इत्यादि, तो कृपया कमेंट कर हमें सूचित करें ताकि इस वीडियो का भाग दो आपको परोसा जा सके। परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब आप अपनी इच्छा हमसे जाहिर करेंगे, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा कृपया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनद रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करना है, क्योंकि उसी से आपका और मेरा दिल और हमारा प्यार सदा बना रहेगा। ओम नमः शिवाय।